अभी हम बता देंगे ना, अभी पूरा देख जानकारी तो कर ले। गोली लगी सर क्या क्या पूरा? हाँ गोली लगी है इनके, पुराने रंजिश बताया। कहाँ हैं सर ये रहने वाले? राजा कसपुर के रहने वाले हैं, पुराना विवाद है, तीन क्षेत्र का मामला इसके भाई भूपेंद्र के खिलाफ लिखा गया था राम सर के द्वारा। सर कहाँ लगी गोली? बाजू में लगी हुई है और इसका उपचार है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। सर युवक का नाम पता है क्या, नाम लड़के का? जवान सिंह है लड़के का, और तहरीर में मिलने पर विधि कार्रवाई की जाए। मैं आपसे उदय भान सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? राजा कंसपुर। क्या मामला हुआ है? सर खेते से लौट रहे थे, मेरे को लोग भैया खेत देखो, खेत देखने के वहाँ पे बचावा मिले, बचावा खेत घर लौटे थे तो बगल में एक बाग है उसमें छुपे थे। हमें सर सीधे जैसे आवाज रहे नीचे मुड़ी कर सर उन्होंने कहा। अरे कहाँ है, कौन कौन मारा, किसने मारा है गोली? सर जगमोहन यादव थे, अविनाश रहने कोई रंजित थी क्या? एक गुरु का से हम आ गए। कहाँ रहने वाली हैं? राजा कंसपुर। कौन है आप इनकी? हमारा लड़का है, इसका नाम तारी यही। क्या नाम है लड़के का? उदय भान सिंह। क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ था? अब हम गए शायद परे रहने हैं। कहाँ पर? चक्रोट में। अच्छा किसने गोली मारी है? हम नहीं जानते, अब ये जब बताओ तब लिखा जाए। अच्छा किसी से पहले से भी तो दुश्मनी थी क्या कोई? हमसे तो नहीं रही भैया, हमका नहीं कोई मामला है क्या जो करते? अरे मामला यह है जब उनका लड़की भगा ले गए हैं। अच्छा ये लड़का भगा ले गए? नहीं हाँ, ये लड़का जब उन्होंने लड़की से नफरत रखा था। अच्छा वो लड़का जेल में है। अच्छा हाँ। किसकी लड़की भगा ले गए? राम विशाल का। अच्छा राम विशाल, वो अपन लड़की हमारा छोड़े यहाँ। हाँ तो उनका हम समझावा कि भैया अपन लड़की संभाल ले, बोले अपन लड़की नहीं संभाले। अच्छा हाँ, और लाग दोनों वहाँ एक का लाग से लाग नहीं होता। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज। क्या मामला है सर? एक गोली लगा हुआ पेशेंट आया है अभी 11:30 बजे हमारी सीसी में जी। पुलिस महाराजगंज पुलिस वैन लेके आई है। क्या नाम है उसका नाम है उदय भान, राजा कंसपुर महाराजगंज कोतवाली के अंतर्गत जी। उसके बाएं हाथ में लगी है जी, लेकिन खतरे से बाहर लगी है, निकल गई। रेफर किया गया कि? हाँ जिला अस्पताल में रेफर किया गया एक्सरे के लिए जी। यदि कुछ बचा होगा तो सर्जन देख लेंगे जी, ऑपरेट करके निकाल सकते। थैंक यू।